मैं फरीहा आज बड़े टाइम के बाद में एक रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ। थोड़ी मसरूफियत थी इसलिए मैंने कोई रेसिपी ट्राई नहीं की थी, बट ये मेरी अपनी रेसिपी है। ये मैं इसको अपने अंदाज से बनाऊंगी। ये फरीहास किचन में फरीहा के अंदाज में बनने वाला चिकन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन, मतलब 1 kg से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 kg 200 ग्राम चिकन है ये, जिसको मैंने क्लीन करके धो के रखा है। और ये सूखे मसाले हैं। इसमें मैंने लिया है सूखा नारियल 1/2 बाटी, और ये जो मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं, ये है 15-16 ये लाल मिर्चें हैं, और 1/2 टीस्पून जो है यहाँ पर जीरा है, और यहाँ पर 10 से 15 लौंग है, और ये भी कम से कम 15 से 20 काली मिरी है, ब्लैक पेपर, और ये जो सिनेमन स्टिक है ये है 1 1/2 स्टिक, जिसको मैंने छोटा छोटा तोड़ कर रखा है। अब इसमें एक ट्विस्ट जाएगा, बे लीफ भी इसमें आप देख सकते हैं कि बे लीफ है, लेकिन ये मैं तड़के में डालूंगी, और ये वाले जो ये चीजें हैं इसको मैं ग्राइंड करूंगी। तो इसमें एक ट्विस्ट और एक इसमें है जावित्री फल, जावित्री फूल, सॉरी। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगी कि इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट है इसका मूंगफली जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ क्वांटिटी कितनी लेनी है। ये देखिए, 1 2 3 4, बस आपने ये जितना आपका ये हाथ में जो आ जाएगी उतने आपने ये 4 मुट्ठी लेनी है मूंगफली के। और जो ग्रेवी बनाने के लिए है वो हमने प्याज यहाँ पर ली है, 4 मीडियम साइज के प्याज है, यहाँ पर ये 4 आलू है मीडियम साइज के, 4 से 5 आलू इसमें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चिकन मैरिनेट एज यूजल जिसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। ये सॉल्ट जो मैं डाल रही हूँ ये सिर्फ मैरिनेट के लिए है, तो ग्रेवी में अलग से सॉल्ट पड़ेगा। उसके बाद ये है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा हम लेंगे मिर्ची पाउडर, और यहां मैं ले रही हूं जिंजर गार्लिक पेस्ट। देख लीजिए आपके पास जो भी अवेलेबल हो, तो अगर आपके पास घर का बना हुआ हो तो वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन मैं यहां पर एक छोटा, मीन्स आपको एक चम्मच, छोटा चम्मच आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है इसमें ऐड करना है। और देख लीजिए दही, ये 180 ग्राम है कट, ध्यान रखिए कि जब भी आप मैरिनेट करते हो चिकन, तो चिकन में जो है वो पानी बिल्कुल जो है वो उसका निकल जाना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें से आधे से ज्यादा मैंने दही लिया है और बाकी रख दिया है, और अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैरिनेट करने से ये होता है कि आपको जो चिकन है वो अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स हो, उस पे मसाले मिक्स हो जाते हैं, और थोड़ा सा जो है चिकन जो है वो थोड़ा
सॉफ्ट हो जाता है और जब हम इसको खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है, इसीलिए मैं मैरिनेट करना पसंद करती हूँ चिकन को। अब इसको देखिए, जैसे ये मैंने मैरिनेट कर दिया है, अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो सारे खड़े मसाले हैं इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसे मैंने डाल दिया नारियल। नारियल फ्रेंड्स मैंने आधा वाटी जो थी उससे उसमें से भी मैंने आधा ही लिया है, पूरा मैंने नहीं लिया वो नारियल। अब मैं डालूंगी इसमें सारे मसाले। इसको हम अच्छे से जो है धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची है तो अगर आप फास्ट पे करोगे तो नारियल भी जल जाएगा और जो ग्रीन जो रेड चिली है वो भी क्रिस्पी नहीं होगी, तो हमें मिर्ची को क्रिस्पी करना है। बट थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि ये जो है जब इसको रोस्ट करते हैं तब इसका बड़ा जो धुआं है वो नाक में है वो तकलीफ देता है। आप देखिए जैसे नारियल का ये जो है कलर जो है वो चेंज हो रहा है, इसको हमने ब्राउन करना है। तो जो ये मेरा पीनट है ये ऑलरेडी ये जो है रोस्ट है पीनट, तो मैं इसको फुली रोस्ट नहीं करूंगी, मैं इसको एंड पे थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि रोस्टेड पीनट मैंने लिया हुआ है। तो देखिए आप इसका कलर जो है नारियल का अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है। तो अब इस स्टेज पे मैं पीनट इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप रोस्टेड पीनट नहीं ले रहे हैं, आप मूंगफली ले रहे हैं जो कच्ची होती है, तो उसको आप पहले सबसे पहले मूंगफली को आप रोस्ट करें और फिर उसके बाद में जो है ये वाले मसाले जो है वो डालें आप। तो फ्रेंड्स ये देखिए नारियल जो है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है और मिर्ची भी जो है वो अच्छी तरीके से भुन गई है और मेरे सारे मसालों की जो अरोमा जो है इसका ये बहुत इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत अच्छी आ रही है। बस इसी स्टेज पे मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और अब इसको हम मिक्सी में जो है वो ठंडा होने पर, आप डायरेक्टली जो गरम है वो गरम आप मिक्सी में नहीं डालना, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद आप मिक्सी में इसको चला सकते हैं। अब आलू को हम थोड़ा हल्का सा रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमारे आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब इसी में मैं प्याज भी भूनूंगी, इसको अपने फ्राई नहीं करना है। एक्स्ट्रा तेल डालने की जरूरत नहीं है, जिसमें हमने आलू फ्राई किया था उसी में ये जो प्याज है ये थोड़ी सी बस हमें सॉफ्ट करनी है। फ्रेंड्स ये
प्याज भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी, ज्यादा इसको हमने नहीं पकाना है। जब तक थोड़ी सी प्रिपरेशन होती है मैं आपको सूखे मसाले जो पाउडर मसाले ये बता देती हूँ। ये लाल मिर्ची पाउडर लिया है मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा कम, और यहां मैंने लिया है एक दो टू एंड हाफ स्पून धनिया पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहां पर मैंने एक टीस्पून से ज्यादा एक टीस्पून लिया है, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जो बड़े दो चम्मच है टेबल। देखिए फ्रेंड्स, मैं जायका का मीट मसाला यूज कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो मीट मसाला भी मैं कुछ ले रही हूं यहां पर 1 टीस्पून फुल। सौंफ पाउडर मैंने लिया है यहां पर 1 टीस्पून। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें बे लीव्स जो हैं वो डाल दिए थे पहले, और अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। ये 3 बड़े चम्मच तेल मैंने डाला है, रिफाइंड ऑयल है, आप जो मर्जी तेल ले सकते हैं। और मैंने टमाटो जो है ऐसे बड़े बड़े स्लाइसेस में चॉप किया है, अब मैं इसको डालूंगी। देखिए टमाटो आप बस हल्का सा थोड़ा फ्राई करें, उसके बाद इसमें आलू ऐड कर दीजिए जो हमने फ्राई किए थे। देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरीके से पक रहे हैं। हमने आलू पहले ही फ्राई कर दिया था, इसलिए हम इसको भी ज्यादा नहीं चलाएंगे। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले जो है ऐड कर रही हूँ।
फ्रेंड्स देखिए, प्याज जो हमारी है ये मैंने पेस्ट कर लिया था, इसको डाल देते हैं। हमारी प्याज भी ऑलमोस्ट पकी हुई थी, तो हम यहाँ भी इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अच्छे से हमें इसको भूनना है ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा ऑलमोस्ट पक गया है। अब जो मसालों का पानी था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जो खड़े मसाले हमने पीसे थे, सूखा नारियल, लाल मिर्च, लौंग और जावित्री फूल, जीरा और काली मिरी, तो ये उसका पेस्ट है। अब आप देख सकते हैं पीनट, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो अब इसमें मैं ये मसाले जो है ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये टोटल मैंने अपने स्टाइल में बनाया है, आप भी बनाना और इसका अच्छे और बुरे जो भी है व्यूज मुझे जरूर देना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी और कितनी आपको पसंद आई। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर तो बनता है। और मेरे न्यू व्यूवर्स के लिए ये है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, प्रीवियस रेसिपीज भी अगर आप मेरी देख सकते हैं, उसमें से भी कोई रेसिपी आपको अगर पसंद आती है, लाइक शेयर और साथ में जो सब्सक्राइब करना ना भूले, जो बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस करना ना भूले, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगी आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने सारा कुछ इसमें मिक्स कर दिया है और अब इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मसाला जो है वो दम पे पक चुका है और साथ में जो आलू थे, ये देखिए आलू भी जो है पक गए हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। ये मैरिनेट चिकन का जो बर्तन था, मैंने इसी में पानी डाल के थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है चिकन पकने के लिए, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर जो है वो मैरिनेट के लिए रखा था। तो अब ये स्लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट स्टेप था। अब इसमें मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर रही हूं। आप इसको जैसे मर्जी खा सकते हैं,
रोटी के साथ, चावल के साथ, मैं तो इसको जीरा राइस के साथ में जो है खाने वाली हूँ, और साथ में चिल्ड कोल्ड ड्रिंक। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पे रख देती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स लीजिए, मेरे स्टाइल में, फरीहास किचन में, फरीहा के स्टाइल में ये चिकन, पीनट चिकन जो है वो बन के रेडी है। मैं तो बस खाने की तैयारी कर रही हूँ, और आप भी इसको घर पर बनाएं, खाएं और बताएं कि आपको कैसा लगा ये मेरे स्टाइल में जो मैंने बनाया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।